नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान सरकार सचिवालय में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान भजनलाल शर्मा समेत सैकड़ों सचिवालय कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे और बापू को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के भगवाधारी भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य की अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। राजधानी जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य हवा महल विधानसभा से विधायक के खिलाफ अब मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं ने अपने परिजनों के साथ सुभाष चौक पुलिस थाने का घेराव भी किया। छात्राओं ने स्कूल में लगे धार्मिक नारों को लेकर प्रदर्शन किया। अब इस मुद्दे पर बाल मुकुंदाचार्य ने सफाई दी। नहीं जी, ऐसा नहीं है। कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने ये माहौल बनाया है। बच्चियों से अच्छे खासे मिला हूँ, बात की हमने, मोदी जी की योजनाओं की बात की, सुकन्या योजना की बात की, स्टडी के बारे में बात की है। बच्चियों ने मुझे पत्र दिया है कि हमारे को यही आवश्यकता है, कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है, कुछ बुक्स की आवश्यकता है, कुछ लैब की आवश्यकता है। मैं बच्चियों से मिला हूँ बहुत अच्छे से और उनसे बात की है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों ने जानबूझ के, पता नहीं वो बच्चे वहाँ की है भी कि नहीं है, उनको लेके कुछ ऐसा माहौल बनाया। बाकी सच्चाई यह है, गणतंत्र दिवस हो, वसंत उत्सव हो, स्कूल के वार्षिक उत्सव हो, इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, या हमारा आज़ादी का उत्सव होता है 15 अगस्त का, इन सब उत्सवों पे भी वहाँ ड्रेस कोड लागू नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, हम स्कूल के 15 अगस्त से दो दिन पहले दूसरी ड्रेस में चले जाते थे, इसलिए कि उस दिन ड्रेस धुली भी प्रेस की भी तैयार पहन के आनी है हमें, 15 अगस्त का दिन है। तो अब क्या ऐसी बात हो गई कि वहाँ 12 महीने अध्ययन में बुर्का और हिजाब में ही बच्चे आवे हैं? ऐसा कौन सा रूल्स रेगुलेशन आ गया है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिससे मैं अध्ययन चलेगा उस समय स्कूलों में नवाज का अगर टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया, तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे या वहीं चालू हो जाएंगे? ये कौन सा माहौल बना रहे हो साहब आप? इसके लिए मदरसा है, वहाँ की अध्ययनशाला अलग है, वहाँ का ड्रेस कोड अलग है। हमारे जो बहुसंख्यक समाज के फिर बच्चे हैं, उनके मन में भेद आता है कि भाई ऐसा क्यों, हम लोग तो पूरा ड्रेस में नियम कायदे से आ रहे हैं, जो नियम है स्कूल के वो पालन कर रहे हैं, और एक तरफ जो बच्चे हैं वो इस तरीके से दूसरी ड्रेस में आ रहे हैं। तो खाली मैंने प्रशासन को, वहाँ के अध्यापक अध्यापकों को निवेदन किया है कि इन बच्चों को आप प्रयास करें समझाने का कि स्कूल का जो नियम कायदा उसके हिसाब से वो आए। माँ सरस्वती का मंदिर है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ मूर्ति भी नहीं लथी जिसको हटवा दी, फोटो लगने नहीं देंगे, प्रार्थना होने नहीं देंगे, सरस्वती वंदना गाने नहीं देंगे। अरे ये सब अध्ययनशाला है, ये विद्यालय है, माँ सरस्वती का भवन है, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहते हो? आप क्या देना चाहते हो इन बच्चों को? बच्चों को तो प्रेम से भाईचारे से रहने दो, बच्चों में क्यों ऐसे डालते हो माहौल? आप महंत भी है और आप भाजपा के विधायक भी है, सरकार भी आपकी है, आप स्कूल में होकर आए, आपको लगा कि दो ड्रेस कोड चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों में जो बुर्का है या हिजाब है वो बच्चियां पहनकर ना आए, ऐसा नियम बने आपकी सरकार? बिल्कुल, मैं तो देखिए ऐसा है, नियम कानून की इसमें आवश्यकता नहीं, समझाने की भी आवश्यकता है। स्कूल प्रशासन बच्चों को ही समझाए, उनके माता पिता युवाओं को समझाए। आप सोचें इसको राजनीतिक कदर से नहीं सोचें, दो प्रकार के ड्रेस कोड के बच्चे जब स्कूल बच्चियां हैं तो वहाँ सब अपने आप ही एक अलग माहौल बन जाता है। उन बच्चों को जिस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है तो वो लगता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने दो साहब, उनको इस प्रकार का क्या भी जीवन पड़ा है उनका, उनको अपना धर्म के अनुरूप ड्रेस कोड भी पहने, धर्म के अनुरूप रहे, रिश्तेदारी समाज अपने कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कहाँ आपत्ति। स्कूल में तो कम से कम सारे समान रूप से हो, फिर स्कूल ड्रेस बनी क्यों है? फिर ऐसे ही पुलिस में कर दो, फिर ऐसे ही फौज में कर दो, फिर ऐसे आप पत्रकार बंधु हो जाओ, ऐसे ही हम सब, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपने देवी देवता, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना है, लेकिन स्कूल जो माँ सरस्वती का भवन है वहाँ का जो नियम है उसको पालन सबको करना चाहिए। सरकार पालन करवाएगी क्या, मेन बात यही है? ये चर्चा हुई है, किसी ने उठाई है ये, मैंने तो प्रशासन को, मतलब स्कूल प्रशासन को ही कहा है, अब उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया है, तो हम निवेदन करेंगे कि ठीक है ड्रेस कोड होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? आप तो मुख्यमंत्री से करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा साहब, मैं निवेदन करूंगा, सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। क्यों दो बात करते हो, क्यों बच्चों में मतभेद डालना चाहते हो? मतलब स्कूल में अब हिजाब पहनकर ना आए, ये आप स्कूल ड्रेस में आवे, मैं कह रहा हूँ बच्चे स्कूल ड्रेस में आवे, स्कूल ड्रेस क्या है उसी में आवे,
मदरसे का ड्रेस है, मदरसे में मदरसे की ड्रेस में जावे, स्कूल ड्रेस, स्कूल जो कोड बनाए स्कूल की ड्रेस में ही आवे। 27 जनवरी के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य बोले थे कि एक स्कूल में दो ड्रेस कोड क्यों है। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने स्कूल में प्रिंसिपल से पूछा था कि यहां दो प्रकार की ड्रेस पहनने का प्रावधान है, तब उन्होंने कहा कि मानते ही नहीं हैं। छोटी बच्चियां हिजाब व बुरके में थी, स्कूल में सभी के लिए नियम एक होने चाहिए, हमारी बच्चियां भी अलग अलग ड्रेस पहनकर स्कूल जाएंगी। की कट्टरता है और उसके कारण जो सरकार है विशेषकर कांग्रेस की वो तुष्टिकरण करती है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनमें शिक्षा की कमी है, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और मुस्लिम समाज को प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए, बल्कि उनकी सोच जो है क्राइम्स में ज्यादा जा रही है। और जो स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल के न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया। सरकार आदेश यहाँ पे भी कुछ निकालेगी तैयारी इसकी, आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी लाऊंगा, क्योंकि हमारे एक विधायक ने जाके ये मामला उठाया है तो गलत है। एक ड्रेस कोड पुलिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है, ऐसे तो कोई थानेदार कुर्ता पजामा पहन के जाके थाने में बैठ जाएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, सूट बूट से चले जाएगा, ये नहीं। हर चीज का विशेषकर स्कूल में छात्रों की ड्रेस कोड है उसकी पालना होनी चाहिए। और हिजाब सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी, मदरसों में भी। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की ओर से राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करने व इंटर्नशिप प्रोग्राम को जारी रखने को मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को सैकड़ों युवाओं ने घेरा और प्रदर्शन किया। युवाओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारत सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक सोमवार को शुरू हुआ। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में रेतीली धोरों पर सर्द हवाओं में दोनों देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध अभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। सेना के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि 45 जवानों वाली सऊदी अरब की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी में भी 45 जवान हैं, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में भी नौकरशाही की स्थिति दयनीय है। एक तरफ सरकार में अलग अलग विभागों में पद खाली पड़े हैं, सरकार अफसरों को मूल विभाग के साथ दूसरे विभाग को अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अधिकारियों को पोस्टिंग नहीं मिल पा रही। सचिवालय के कार्मिक विभाग में हाजिरी लगाने के अलावा उनके पास न तो कोई काम है और न ही कोई जिम्मेदारी। बाड़मेर के बाजरा किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए बीज खरीद पर सब्सिडी देने के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरे की बिक्री को प्रोत्साहित करने वाली योजना लाएगी। RTO फ्लाइंग दस्ते की अवैध वसूली से परेशान होकर ट्रक ड्राइवर ने सरेआम फांसी लगाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे बचाया। आरोप है कि किशनगढ़ हनुमानगढ़ हाईवे पर RTO की टीम एंट्री के नाम पर वसूली कर रही थी। ट्रक ड्राइवर ने इसका विरोध किया, इसके बाद टीम से उसकी बहस हो गई। परेशान होकर उसने सरेआम सुसाइड करने की कोशिश की। राजस्थान के अजमेर शहर के अनासागर चौपाटी पर 10वीं कक्षा के एक दलित छात्र से लाठी डंडों से मारपीट और दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। पीड़ित छात्र रील्स बनाने के लिए
आनंद सागर चौपाटी पर गया था। वहां पहले से मौजूद कुछ युवकों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पुलिस में दी शिकायत में पीड़ित ने बताया है कि रोहित बकरा, पुष्पेंद्र और गोकुल सहित 10 युवकों ने सरिये, डंडे और हॉकी स्टिक से उसके साथ मारपीट की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश में बैक टू बैक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। पहला पश्चिमी विक्षोभ बुधवार को सक्रिय होगा, जिसकी वजह से मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में वर्षा होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।